हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुमुद। आप देख रहे हैं मम्मी की रसोई बाई कुमुद। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं खिचड़ी। तो देखिए कि खिचड़ी में क्या क्या चीज़ें डलती है और हम लोग किस तरह से खिचड़ी बनाते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है इस तरह, देखिए, कटा हुआ गोभी, हरी मिर्च, अदरक ग्रेट कर लिया है थोड़ा सा, और ये है हरा वाला लहसुन जिसे मैंने इस तरह छोटे छोटे काट लिया है, प्याज कटा हुआ, टमाटर और एक आलू जिसे छील करके इस तरह थोड़े बड़े बड़े पीस में काट लिया है, और मटर और थोड़ा सा धनिया पत्ता। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये मैंने खिचड़ी बनाने के लिए एक कटोरी चावल लिया है। तो चावल मैंने बासमती ली है, आप सिंपल चावल से भी बना सकते हैं। तो ये मैंने ले लिया बड़े बर्तन में, और मैंने लिया है हाफ कटोरी मूंग दाल और हाफ कटोरी मसूर दाल, ये लाल वाली दाल है। तो जितना चावल है हमें दोनों दाल उतना लेना है, लेकिन दाल दोनों आधा आधा है, यानी कि एक कटोरी चावल तो एक कटोरी दाल। एक कटोरी दाल में मैंने दोनों दाल को आधा आधा लिया है, तो इसमें आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग धो लेते हैं। कुकर में डाल लेते हैं 2 चम्मच, डाल लेते हैं 2 चुटकी हींग। तो हींग आपको अपनी खिचड़ी के हिसाब से डालना है। और डाल लेते हैं 1 चम्मच जीरा, 1 लाल मिर्च और 1 इलायची, 1 बड़ी इलायची है और 1 छोटी इलायची है, और 2 लौंग इलायची को आप थोड़ा सा खोल लीजिए, और 1 तेज पत्ता। सारे को तड़क जाने देते हैं। पहले डाल लेते हैं हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन है पत्ता वाला, और थोड़ी सी अदरक जिसे हमने ग्रेट कर लिया है, और अब इस तरह बारीक कटा हुआ प्याज। अब हम लोग बारी बारी से अपनी सारी सब्जियों को डाल लेते हैं। मटर, गोभी, टमाटर, सारी चीज़ों को डाल करके हम लोग थोड़ा सा इन सारी सब्जियों को पहले भून लेंगे। थोड़ा सा सारी चीज़ों को चला लेते हैं। 2 मिनट के लिए हम इन सारी चीज़ों को पहले थोड़ा सा भून लेते हैं, ताकि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। अब डाल लेते हैं हम लोग चावल जिसे हमने धो करके रखा था, दाल और चावल, तो इसे भी डाल करके 2 मिनट के लिए हम लोग सब्जियों के साथ भून लेते हैं। लेते हैं 1 से 1.5 चम्मच हल्दी, और हल्दी के साथ आपको अपनी खिचड़ी को भून लेना है। थोड़ा सा सारी चीज़ों को हम लोग भून लेते हैं 1 से 1.5 मिनट के लिए। अब डाल लेते हैं अपनी खिचड़ी में पानी। तो पानी आपको खिचड़ी से ऊपर तक रखना है। तो आप अगर पतला चाहते हैं तो थोड़ा पानी आपको खिचड़ी से, यानी कि दाल चावल से थोड़ा ज़्यादा ऊपर, यानी कि आप ये है इतना रखिए, और अगर आप थोड़ा सा टाइट खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी कम डालिए। तो पानी हमने डाल लिया है, और थोड़ा सा और पानी डाल लेते हैं इसमें। अब देख लेते हैं पानी, तो अब हमारा पानी बिल्कुल परफेक्ट है, आप देख सकते हैं। और अब हम अपनी खिचड़ी में, अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है, तो अब हम इसमें डाल लेंगे नमक। तो स्वादानुसार इसमें नमक डाल लेते हैं, और नमक डाल करके एक बार मिक्स कर लेते हैं इन्हें अच्छी। और अब हाई फ्लेम पे इसमें 1 विसल लगा लेते हैं। तो 1 सीटी हमारे कुकर में आ गया है, और अब हम अपने गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तब हम खोलेंगे। आपको प्रेशर निकाल के अपनी खिचड़ी को नहीं खोलना है। जब प्रेशर निकल जाएगा तब आप अपनी खिचड़ी को खोलिए। और अब इस खिचड़ी के साथ एक चोखा सर्व किया जाता है, तो उसके लिए मैंने 1 बैंगन पकाया है और 1 टमाटर, और इस तरह पक जाने के बाद में इसका छिलका उतार देंगे, और इसे मैश करके इसमें स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा कच्चा सरसों तेल, यानी कि 1 चम्मच सरसों तेल, और थोड़ा सा बारीक कटा हरा मिर्च, और थोड़ा सा बारीक कटी हरी लहसुन, और बारीक कटा हुआ
अदरक, थोड़ा सा धनिया पत्ता जिसे बारीक काट लिया है, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और बस ये चोखा बहुत ही सिंपल तरीके से खिचड़ी के ऊपर बनाई जाती है। तो तैयार है हमारा चोखा। तो चलिए देख लेते हैं, हम अपनी खिचड़ी को खोल के, प्रेशर हमारा निकल गया है, देख लेते हैं। तो ये देखिए खिचड़ी हमारा तैयार है। तो अब इस स्टेज पे अगर आपको लगता है कि पानी कम है, अगर आप पतला खाना पसंद करते हैं तो इसमें ठंडा पानी आपको नहीं डालना है। पानी को गर्म कीजिए और फिर इसको डाल करके आप गाढ़ा या पतला, जो भी आपको जिस तरह का कंसिस्टेंसी पसंद है खिचड़ी का, उस तरह आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर आप चाहें तो जीरे, घी जीरे का तड़का लगा सकते हैं। वैसे हमने स्टार्टिंग में सब कुछ इसमें डाल दिया है, तो मैं इसमें ऊपर से कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ। और उसके बाद में बस चलिए सर्व कर लेते हैं अपनी खिचड़ी को। तो अब हम अपने खिचड़ी को सर्व कर लेते हैं। तो ये हमने अपनी खिचड़ी को सर्व कर लिया है और डाल लेते हैं ऊपर से थोड़ा सा गरम गरम घी। घी को गरम कर लिया है, पिघला लिया है, क्योंकि सर्दी में घी जम जाता है। और मैंने इसे वही जो मैंने आपको बैंगन का भरता, बैंगन टमाटर का बनाया था, उसी के साथ मैंने अपनी खिचड़ी को सर्व किया है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। मिलेंगे फिर ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।